विद्यालय तक जाने के लिए नहीं है संपर्क सड़क, पानी में तैरकर जाएंगे मतदान केंद्र। चुनाव को लेकर बांका जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जनता को मनाने रिझाने का दौर शुरू हो गया है। यहां पहले चरण में ही 28 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई मतदान केंद्रों पर संपर्क सड़क तक नहीं है, जिसको लेकर आवाम में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसका हिसाब जनता जनार्दन वोट से लेंगी। ये मामला धरिया विधानसभा क्षेत्र के पोन्नत मध्य विद्यालय रामकोल में देखने को मिला है, जहां सड़क से विद्यालय तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता न होने की वजह से लोगों को पानी में गुजर कर जाना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि छात्रों और शिक्षकों और ग्रामीणों को बारिश के महीने में काफी दिक्कतें होती हैं, और हाल के दिनों में हुई बारिश से डाड में बारिश का पानी आने से पूरी सड़क जलमग्न हो गई है। वहीं धीरैया विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले इस मतदान केंद्र पर करीब 800 लोग वोट देते हैं, इसके बावजूद विधायक जी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। धरैया बांका से विकास कुमार की रिपोर्ट, प्राइम बीटी न्यूज। महल पर जाना पड़ता है, बच्चा के लिए जाने में वोट देने में भी दिक्कत होगा, ऐसे ही जाता है आदमी, कोई ध्यान नहीं देता है। विद्यालय जाने का ये रोड अभी तक नहीं बना है, मेन रोड अभी तक नहीं बना पाया, और इसी से बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, और गार्जियन को लोग गोद में ऐसे टपा उठवा कर किसी तरह पार करता है। वोट भी डालने इसी से जाएंगे, कोई इसके लिए देखा नहीं आया है? नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हो जाए, और क्या चाहते हैं? हो जाएगा, सुखा बोले और वो आसान से पार हो जाएगा, तो जाने में वोट देने में सब, और वो बड़ा छोटा आएगा तो पार होगा गाड़ी से, नहीं तो ऐसे काला मिट्टी लगा के जाएगा। शिक्षक कैसे जाते हैं? इसी तरह उतार के जाता है, न तो गार्जियन आया गोजुक में करके पार करता है। आपके स्थानीय विधायक क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया? किसी ने जीत के खाली वोट लेता है।